तो वेलकम बैक। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 14C। तो एक्सरसाइज 14C को स्टार्ट करने से पहले जो हमें कंसेप्ट के पता होना चाहिए वो है सिलेंडर्स के बारे में, कि सिलेंडर्स जो हैं बेसिकली ये कैसी शेप होती हैं, इनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और इनका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो जो 14C का पहला क्वेश्चन है वो इसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड सिलेंडर्स फाइंड इट्स वॉल्यूम इट्स टोटल सरफेस एरिया। हमें नीचे क्लोज सिलेंडर्स बनाकर दिए गए हैं। क्लोज का मीनिंग है कि इनकी जो लिड है बेसिकली सिलेंडर्स की वो कंप्लीट है, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, ये टोटली क्लोज हैं। तो ये हमें क्लोज सिलेंडर्स यहाँ पे बनाकर दिए गए हैं, तीन पार्ट हैं इसके, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करके दिखाएं और इसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करके दिखाएं। तो ये दोनों चीज़ें हमने निकालनी है। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा कि सिलेंडर्स बेसिकली क्या होते हैं और प्रिज्म्स में और सिलेंडर्स के अंदर बेसिकली क्या ऐसा फ़र्क होता है जो इन दोनों को अलग अलग बनाता है। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर की। ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ करने की कोशिश किया यहाँ पे, क्योंकि ये 3D शेप होती है। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक ऑब्जेक्ट ऐसा ले लिया है जो कि बेसिकली एक सिलेंडर ही है। तो आप इसकी जो लिड है इस वाले पोर्शन पे ना जाएं, आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि ये बिल्कुल फ्लैट है। तो सिलेंडर कुछ इस तरह ही का आपको दिखेगा। इसी चीज़ की आप एग्जांपल आप देख लें कि ये मैंने जो शेप बनाने की कोशिश की है वो भी कुछ इस तरह ही की है। तो सिलेंडर्स क्या होते हैं और इनमें और प्रिज्म में क्या फ़र्क होता है? जो सिलेंडर्स होते हैं इनका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कल बनता है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी आप किसी चीज़ को बीच में से कट करते हैं तो जो पार्ट उसका विजिबल होता है, कट करने के बाद जो पार्ट विजिबल होता है, जैसे मैंने ये एक चीज़ आप इसको अगर सिलेंडर कंसिडर करें, आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो इसके अंदर से इसी तरह का एक राउंड पार्ट यानी एक सर्कल पार्ट जो है आपको अपीयर होगा, तो ये कहलाएगा इसका क्रॉस सेक्शन। तो जो सिलेंडर्स होते हैं इनका क्रॉस सेक्शन हमेशा आपको सर्कुलर मिलता है। तो सिलेंडर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो बेस बनती है, जो इनका क्रॉस सेक्शन बनता है वो सर्कुलर बनता है, हमेशा सर्कल ही बनता है। लेकिन प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता। प्रिज्म के केस में आप लोग 14B में देख चुके हैं कि इतने सारे प्रिज्म थे जिनकी बेस डिफरेंट थी। किसी की बेस ट्रेपीजियम बन रही थी, किसी की बेस ट्राइंगल बन रही थी यानी पॉलीगॉन्स बन रही थी। तो इस वजह से प्रिज्म और सिलेंडर में बेसिकली ये फ़र्क आता है कि प्रिज्म के अंदर जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कोई भी पॉलीगॉन बनता है, लेकिन सिलेंडर्स के अंदर जो भी क्रॉस सेक्शन है वो उसका हमेशा एक राउंड पार्ट यानी सर्कल ही बनता है। जैसे कि आपके सामने अगर आप इसको सिलेंडर कंसिडर करें तो इसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा वो वाला एरिया जो बिल्कुल कट करने के बाद इस तरह का राउंड नज़र आया आपके पास। ये भी इसका क्रॉस सेक्शन है सर्कल और ये भी इसका क्रॉस सेक्शन है एक सर्कल। तो ये कहलाएगा एक सिलेंडर जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। आप इसको किसी भी पार्ट से कट कर लें तो इसमें हमेशा इसी तरीके का शेप जो है यानी सर्कल जो है आपको अपीयर होगा। तो सिलेंडर्स कहते हैं इनको। तो इनमें और प्रिज्म में क्या फ़र्क हुआ? सिलेंडर में जो बेस होती है वो बेसिकली सर्कल होती है, जबकि प्रिज्म के अंदर कोई भी पॉलीगॉन उसकी बेस के रोल प्ले कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि हमने सबसे पहले जो चीज़ निकालना सीखनी है 14C में के पहले पार्ट में वो है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये हमने बार बार इस्तेमाल करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है इन केस ऑफ सिलेंडर्स? तो वो है कुछ प्रिज्म जैसा ही, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मीनिंग मैं आपको भी बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को स्ट्रेट कट करें तो जो फेस आपको ऑब्जेक्ट का अपीयर होता है वो उसका क्रॉस सेक्शन ही कहलाता है, उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये कुछ ना कुछ प्रिज्म जैसा ही फार्मूला है। उधर भी यहाँ पे जो था एरिया था और उसको अपने हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ करेगा ये बेसिकली उसका कहलाया करेगा बेस एरिया। यानी वही काम जो प्रिज्म के लिए आपने किया है वॉल्यूम निकालने में, वही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए भी आपको उसका बेस एरिया और हाइट को आपस में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अगर हम देखें कि सिलेंडर्स के अंदर तो जो बेस होने वाली है वो हमेशा एक सर्कल होने वाली है, और सर्कल जो होता है ये शेप आप बहुत बार डील करके आ चुके हैं एलिमेंट्री क्लासेस में। सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो भी आपको पहले से याद है, वो है पाए आर स्क्वेयर। सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन हमेशा आपके पास एक सर्कल होगा, तो उसी वही उसकी होगी बेस
तो उसका ही हमें फाइंड करना होगा एरिया। तो अगर आपके पास सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एक सर्कल है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला तो होता है पाए आर स्क्वेयर, तो इस बेस एरिया की जगह पे हम लिख सकते हैं पाए आर स्क्वेयर और हाइट क्यूब मैं जस्ट डिनोट कर देता हूँ एच से, तो ये बन जाएगा पाए आर स्क्वेयर एच। तो ये एक फार्मूला हमने डेवलप कर लिया कि जब भी हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो हम ये वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे पाए आर स्क्वेयर एच। ठीक है, पाए की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं 22/7 या जो कैलकुलेटर में बिल्ट इन वैल्यू होती है, फीड हुई होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट आंसर्स के लिए। आर जो है यहाँ पे स्टैंड कर रहा है रेडियस, आपको पता है ये होता है रेडियस ऑफ अ सर्कल, और हाइट वही होगी जो प्रिज्म के केस में हमने जिस तरह देखी थी, इधर भी सिलेंडर के केस में हम हाइट और लेंथ जो है फाइंड आउट करेंगे भी, उसको यूज़ भी करेंगे, वो आने वाले सवालों में आपको क्लियर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का आपको फॉर्मूला याद रखना है वो है पाए आर स्क्वेयर एच। और ये बात भी याद रखनी है कि प्रिज्म में जो होती है बेस वो कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, लेकिन जो सिलेंडर है उसकी बेस सर्कल होती है और उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया क्रॉस हाइट होता है, क्योंकि बेस सर्कल होती है तो इसलिए पाई आर स्क्वेयर को एच से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तो फॉर्मूला बना है पाई आर स्क्वेयर एच। अब चलते हैं इसके पहले पार्ट पे ही, जो कि यहाँ पर मैंने इसकी शेप ड्रॉ भी की हुई है, और देखते हैं हम इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो अभी पहले बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। तो आइए हम देखते हैं हम ए पार्ट का पहले वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये एक सिलेंडर है हमारे पास, तो हमने इसका निकालना है सबसे पहले वॉल्यूम। तो आपने ये चीज़ देख ही ली है कि सिलेंडर जो होता है उसकी जो बेस होती है वो एक सर्कल होती है। मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा भी रहा हूँ कि ये एक लेट से सिलेंडर है, तो ये इसकी कहलाएगी बेस और ये एक सर्कल है। तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम अगर निकालना है तो हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी सेम जो कि प्रिज्म के लिए था एक तरह का, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट को मैं यहाँ पे एच से लिख रहा हूँ और वी फो को मैं वॉल्यूम कह रहा हूँ। तो बेस एरिया का मतलब है सर्कल का एरिया जो कि सिलेंडर की बेस है। तो इस सिलेंडर की बेस है ये सर्कल, ऐसे ही सर्कल अगर आप यहाँ पे मैं कोशिश करूँ कि आपको समझा पाऊँ, ये इसके बिल्कुल नीचे भी होगा, ये इसकी क्या है बेस है। तो इस बेस एरिया का मतलब है इस सर्कल का एरिया, और इस सर्कल का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, वो होता है पाए आर स्क्वेयर, और हाइट साथ वैसे ही है तो उसको मैं लिख लेता हूँ पाए आर स्क्वेयर एच। अब आपने पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पाई की वैल्यू आपको पहले से ही याद होती है 22/7। आर स्टैंड करता है रेडियस पे, यानी जो सर्कल है उसका रेडियस, और देखें आपको इस सर्कल का रेडियस बताया हुआ है। सर्कल का रेडियस होता है उसके सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, वो है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह पे लिखूंगा 7 और उस पर डालूंगा स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वेयर है। क्रॉस हाइट, हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि इसकी हाइट बनती है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखूंगा 12 हाइट की जगह पे। इन सब वैल्यूज़ को मैं वैल्यूएट करूँगा कैलकुलेटर से और देखता हूँ मेरे पास का क्या आंसर आ रहा है। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1848, और क्योंकि सारी मुझे डायमेंशंस जो है सेंटीमीटर में गिवन थी और ये वॉल्यूम है, तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। ये मैंने निकाल लिया इसका वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमने बेसिकली। अब तो पहले तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, फिर इसको समझ भी लेते हैं। इसका फार्मूला है 2 times ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाई कह रहा हूँ प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि टोटल बेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है आपने, तो आपको जो भी आपका सिलेंडर है इसकी जितने भी फेसेस हैं उस सब का एरिया चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने प्रिज्म में किया था, जब भी प्रिज्म में हम सरफेस एरिया निकालते थे तो उसके जितने भी फेस थे तो उन सब को अलग अलग उनका एरिया फाइंड आउट करके उसको हम करते थे ऐड, तो वो उसका आता था सरफेस एरिया। अब सिलेंडर के केस में भी ऐसे ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिलेंडर के दो फेसेस तो बहुत इजीली आपको जो है आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वो है इसका बेस। जो सिलेंडर हुआ करेगा इसकी बेस एक सर्कल है,
और जैसा सर्कल आपको बॉटम में दिखाई देगा वैसे ही सर्कल उसके ऊपर एंड पे भी दिखाई देगा। तो इसलिए अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये जो दो बेस हैं, कितनी बेस हैं, दो बेस हैं, इनका एरिया आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी एक बेस एरिया निकाल लें और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वो दो हैं, तादाद में वो दो हैं। अगर एक होती तो यहाँ पे सिर्फ वन लिखा होता, लेकिन क्योंकि बेस हमारे पास दो हैं जो कि दोनों की दोनों सर्कल हैं, तो हमने इसलिए एक बार बेस एरिया निकाला करेंगे जो कि सर्कल का होगा, और उसके बाद उसको टू से क्या कर दिया करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एक तो ये हो गया। अब बाकी पोर्शन बचता है उसका कर्व्ड पार्ट, क्योंकि सिलेंडर के अंदर प्रॉपर फेस नहीं होगा एक तरह का, वो उसका कर्व्ड पार्ट होगा। जिस तरह मैं आपको अभी ऑब्जेक्ट दिखा भी देता हूँ, जैसे ये अगर आप इसको सिलेंडर कंसीडर करें तो ये तो है इसकी बेस, ठीक है। तो ये बेस जैसी यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे भी आपको विजिबल होगी। तो ये तो हो जाएगी दो मरतबा, यानी इसका एरिया और इस ऊपर वाले का एरिया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से। यानी अगर आप एक बेस निकाल लेते हैं तो उसको आप जस्ट टू से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जैसी बेस यहाँ पे होगी उसी लिहाज से वैसे यहाँ पे होने वाली है। तो एक तो ये हो गया, बाकी जो है इसका वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो कर्व है आपके सामने, ये जहाँ पे आपको ये बाउंड्री नज़र आ रहा है, एक लाइन लगी हुई है, ये पूरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखें हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि आप कंसिडर करें कि अगर आपने इस सिलेंडर को यहाँ से आप इसको ब्रेक कर लें और इसको अलहदा कर लें और इसको बिल्कुल ओपन कर लें, यहाँ से आप इसको कट करके इस सिलेंडर को अगर आप ओपन कर लें, तो ये जो कर्व्ड सरफेस शीट है ना, ये इस तरह की स्ट्रेट सरफेस शीट हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि जो शीट की बाउंड्री होती है ना, ये जो बाउंड्री है उसको, वो सर्कल है और सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो वो बनती है 2πr, वो होती है 2πr, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। और जाहिर बात है जब ये बाउंड्री 2πr है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट बनती है वो आप कह लें, लेट से जैसे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है, वो इसकी हम कह लेते हैं यहाँ पे h। तो अगर आप देखें ये एक रेक्टेंगल ही है, और अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो वो उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही आएगा। तो ये बनेगा लेंथ क्रॉस ब्रेथ, यानी 2πr क्रॉस h। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा 2 times ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया का मतलब है सर्कल का एरिया, जो ऊपर सर्कल है और जो नीचे, वो बता चुका हूँ, वो होता है पाई आर स्क्वेयर। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, क्योंकि जो शीट है पूरी 2πr की थी और ये हाइट इसकी यहाँ पे ब्रेथ का रोल प्ले कर रही है, अगर इसको हम ओपन कर लें तो लेंथ क्रॉस ब्रेथ बनेगा 2πr क्रॉस h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πr h। तो इस तरीके से हमने इसका सरफेस एरिया का फार्मूला बनाया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr स्क्वेयर प्लस 2πr h। तो जब भी आपने किसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जस्ट हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आसानी से आ जाएगा। तो आप देखें 2 वैसे ही है, पाई की वैल्यू आप यूज़ कर लें 22/7, रेडियस भी आपको गिवन है यहाँ पे 7 centimeters, वो यहाँ पे आएगा 7 square + 2। दोबारा से पाई की वैल्यू पुट करें 22/7, रेडियस सेम है 7, और हाइट यहाँ पे सिलेंडर की गिवन है वो है 12 centimeters। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12। अब इन सब को मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगा और देखूँगा इसका आंसर मेरे पास क्या आता है। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में 836, क्योंकि डायमेंशंस मेरे पास सेंटीमीटर में गिवन है और ये सरफेस एरिया है, तो ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मैंने निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया। तो अब आप लोगों ने वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, और हम इस फॉर्मूले की मदद से बाकी पार्ट भी कर सकते हैं।